नामी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल ने जहां पंजाब की सियासत में भूचाल ला दिया है, वहीं इस वारदात ने उत्तर भारत में गैंग्स और गैंग वॉर की खौफनाक हकीकत भी जाहिर कर दी है। वो हकीकत जिसमें गैंगस्टर्स के सामने पुलिस और कायदे कानून के कोई मायने नहीं होते, वो खुलेआम कत्ल करते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर ऐलान कर कत्ल की जिम्मेदारी लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की इनसाइड स्टोरी भी बेहद चौंकाने वाली। गन और गोलियों से प्यार, आपस की टशनबाजी, गैंगस्टरों से दोस्ती और दुश्मनी, और तब आखिर में पंजाब के नामी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल। क्राइम की भाषा में ऐसे कत्ल के मामलों को ओपन एंड शट केस कहा जाता है, यानी एक ऐसा केस जो पहले ही दिन से बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो, जिसमें मकतूल के साथ साथ कातिल का भी पता हो और कत्ल के मोटिव का भी। लेकिन क्या ये मामला इतना ही सीधा है जितना ऊपर से नजर आ रहा है? शायद नहीं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में नॉर्थ इंडिया के अलग अलग गैंग्स के बीच दुश्मनी की ऐसी पेचीदा कहानी छुपी है जिसे समझने में कई बार पुलिस वालों का भी दिमाग घूम जाता है। अब अगर सीधे सीधे ये पूछा जाए कि आखिर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल क्यों हुआ, तो इसका जवाब यही होगा कि सिद्धू मूसेवाला उत्तर भारत के दो बड़े गैंग्स के बीच सालों से चली आ रही गैंगवार में ऐसा फंसा कि आखिरकार उसकी जान ही चली गई। अब आइए सिद्धू के कत्ल की इस पूरी क्रोनोलॉजी को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में, मसलन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जुर्म की काली दुनिया पर कई गैंग्स का राज चलता है, लेकिन इन गैंग्स में दो सबसे अहम गैंग्स हैं, लॉरेंस विश्नोई गैंग और दविंदर बम्बिहा गैंग। लॉरेंस विश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है जबकि दविंदर मारा जा चुका है, लेकिन दोनों ही गैंग्स के गुर्गे लगातार एक दूसरे से टकराते रहे हैं। इसी टक्कर में पिछले साल 8 अगस्त को विक्की मिद्दूखेड़ा नाम के एक गैंगस्टर की मोहाली में हत्या कर दी गई। मिद्दूखेड़ा लॉरेंस विश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ का दायां हाथ माना जाता था। इस कत्ल का इल्जाम दविंदर बम्बिहा गुट पर लगा। दिल्ली पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में कुछ शूटर्स को गिरफ्तार किया जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम लिया। बताया कि मिद्दूखेड़ा की रेकी करने में शगनप्रीत ने उनकी मदद की थी और सिद्धू मूसेवाला ने कथित तौर पर इस कत्ल के बाद अपने मैनेजर शगनप्रीत को भारत से ऑस्ट्रेलिया भागने में उसकी मदद की और बस यहीं से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस विश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की स्क्रिप्ट दरअसल पिछले साल अगस्त में ही लिख दी गई थी जब मिद्दूखेड़ा का मोहाली में कत्ल किया गया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। कई बदमाशों ने गोलियों से मिद्दूखेड़ा का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा एक बयान जारी करते हुए ये कहा था कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्होंने एक को मारा है तो हम चार कत्ल करेंगे। ठीक ऐसा ही बयान गोल्डी बराड़ ने कनाडा से भी जारी किया और ये कहा था कि जो लोग इस कत्ल में शामिल हैं उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और देखिए वैसा ही हुआ, एक सेंसेशनल कत्ल, 3 गाड़ियों में सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल के साथ लैस होकर सिद्धू का कत्ल कर दिया गया। कहते हैं इसके बाद लॉरेंस विश्नोई गैंग ने मूसेवाला को इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, लेकिन गन और गोलियों से प्यार करने वाले मूसेवाला ने भी पलट कर जवाब दे दिया कि वो भी हमेशा अपनी बंदूक लोड करके रखता है, जिसे जो करना है वो कर ले। कहते तो ये भी हैं कि लॉरेंस विश्नोई के खासम खास और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का ये मानना है कि मूसेवाला ने ही उसके भाई गुरुलाल बराड़ का भी कत्ल करवाया था, यानी मूसेवाला से लॉरेंस और गोल्डी की दुश्मनी की कई वजहें थी और आखिरकार इन्हीं वजहों ने मूसेवाला की जान ले। अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, मानसा, आज तक। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की कनाडा में बैठे दूसरे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से फोन पर बात हुई, फिर रेकी की गई, शार्प शूटर्स का इंतजाम किया गया और फिर घात लगाकर सिद्धू मूसेवाला का
कत्ल कर दिया गया। सिद्धू के कत्ल की तफ्तीश अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन कत्ल को लेकर जैसी जैसी कहानियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस के पास गैंगस्टरों के सोशल मीडिया पर मौजूद कबूलनामे के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, मौका वारदात पर मिले कारतूस के खोल, गन गोली वगैरह की सूरत में कई सबूत मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल उसके सामने इन सबूतों को आपस में जोड़ने और गुनहगारों को गिरफ्तार करने की बड़ी चुनौती है। जाहिर है सिर्फ गैंगस्टरों के ये कह देने भर से कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया है, पुलिस ये मानकर नहीं बैठ सकती। ऐसे में पंजाब पुलिस ने न सिर्फ इस मामले की तफ्तीश के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है, बल्कि अपनी तफ्तीश की रफ्तार भी तेज कर दी है। अब तक की छानबीन में पता चला है कि तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने ही इस कत्ल की साजिश रची, और इसके लिए उसने कनाडा में मौजूद अपने साथी गोल्डी बराड़ के साथ जेल से ही चोरी छिपे वर्चुअल नंबरों के जरिए कई बार बात की। यही वजह है कि अब पंजाब पुलिस तिहाड़ जेल में बंद पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, ताकि इस मर्डर केस के बारे में और गहरी जानकारी मिल सके और कत्ल का मोटिव और साफ हो सके। पुलिस ने मानसा से ही 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मूसेवाला मर्डर केस में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को पंजाब से ही लावारिस हालत में पड़ी एक बोलेरो भी मिली है, जिसमें कुछ नंबर प्लेट्स भी पाए गए हैं। शक है कि ये नंबर प्लेट्स फर्जी हैं और इन्हीं नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल कर कातिलों ने बोलेरो से मूसेवाला को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इधर सीसीटीवी फुटेज में भी मौका वारदात पर बोलेरो के नजर आने की बात सामने आई है। बरार जो भारत में खासकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे जगहों पर जो 700 शूटर है उनको बकायदा लाइनअप करता है और कनाडा से एग्जीक्यूशन कराता है, यानी कनाडा से वो पंजाब में हत्याकांड को अंजाम दिलाता है। इस हत्याकांड में भी लॉरेंस ने जेल से इशारा किया है, कनाडा में बैठा गोल्डी बरार वो शूटर से संपर्क से साधता है और उसके बाद पंजाब में ये हत्या हो जाती है। तो ये एक बड़ा गैंग है जिसमें जेल से ऑपरेट तो कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई, इशारा वही करता है, लेकिन अंजाम कनाडा में बैठा गोल्डी बरार भारत में बैठे अपने शूटरों से अंजाम दिलवाता, और इस केस में भी ऐसा हुआ। लेकिन आपको बताऊं, एक साल से बकायदा ये इस हत्याकांड की साजिश रची जा रही थी। पहले निशाने पर थे सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर, जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में फरार हो गए, उसके खिलाफ एलओसी है। तफ्तीश में ये साफ हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला पर तकरीबन 30 राउंड गोलियां चलाई गई, और गोलियां चलाने में दूसरे असलहों के साथ साथ AK-94 राइफल का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस की माने तो ये पहली मर्तबा है जब पंजाब में किसी गैंगवार में AK-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया। मानसा पुलिस ने इस सिलसिले में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के बयान पर कत्ल की FIR दर्ज की है। बलकौर सिंह ने बताया है कि उनके बेटे को अक्सर गैंगस्टर रंगदारी टैक्स वसूलने के लिए धमकी दिया करते थे। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का गैंग भी उसे धमका रहा था, और तभी उसने बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर गाड़ी भी खरीदी थी और साथ में गनमैन भी था। लेकिन इत्तेफाक से रविवार को वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी और गनमैन के बगैर ही घर से निकला। हालांकि बलकौर सिंह ने बताया है कि वो अपने बेटे के सरकारी गनमैन के साथ बेटे के पीछे पीछे चल रहे थे, और उन्होंने खुद देखा कि कैसे एक टोयोटा कोरोला कार से गैंगस्टर उनके बेटे का पीछा कर रहे थे, और कैसे एक बोलेरो में पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनके बेटे की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ललित शर्मा और अरविंद ओझा के साथ तंसीम मेहता, मानसा, पंजाब, आज।